दोस्तों अभी हमने पार्किंग में लगा दिया हमारा गाड़ी। अगर आप फिनिक्स मॉल या और वी आर बेंगलुरु कुछ आ रहे हैं तो आप इधर पार्क कर सकते हैं, जहाँ पर HDFC बैंक का ATM है, कनाडा बैंक का ATM है, ICICI बैंक का ATM है। तो ATM के फ्रंट में पार्किंग करेंगे ना, उसका चार्ज कुछ नहीं लगेगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर पार्किंग कर दिया, क्योंकि वी आर मॉल के अंदर 30-40 रुपये लेते हैं पार्किंग का, तो इधर गाड़ी भी आपका सेफ रहेगा। अभी हम जा रहे हैं वी आर बेंगलुरु मॉल की तरफ, उधर जाके पहले हम टिकट बुक करेंगे। मूवी देखने से पहले बहुत जोर से भूख लग रहा है, कुछ सोच रहे हैं कुछ खा के जाएंगे। इधर देख रहे हैं स्ट्रीट फूड जो मिलेगा, कुछ खा के जल्दी निकलेंगे। अफसोस कि हम लोग कुछ नहीं खा पाएंगे, क्योंकि खाने का इधर कुछ अच्छा वाला इधर स्ट्रीट फूड नहीं है। तो मूवी देख लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ खा लेंगे। और ये फिनिक्स मॉल अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद वो वाला है वी आर मॉल, पहले जाके हम टिकट काट लेंगे। वो वाला आप देख पा रहे होंगे कि वी आर बेंगलुरु मॉल में हम पहुंच चुके हैं। अभी है सेल्फी टाइम, सेल्फी का मूवी का बारी। रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, कुछ खा लेते हैं पहले, मन बना लिए कुछ खाने के लिए। इस तरफ थोड़ा सा स्ट्रीट फूड का ऑप्शन है, तो इसलिए अपोजिट रोड में आगे हम खा के जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा सा फूड का ऑप्शन है, हम चल के देखते हैं। हम सोच रहे हैं कि वेज मंचूरियन खा के जल्दी निकलेंगे मूवी के लिए, क्योंकि मूवी और 10 मिनट बाकी है। अभी हम वेज मंचूरियन ऑर्डर किए हैं, जल्दी आ जाएगा। भैया जी अभी वेज मंचूरियन बना रहे हैं। अभी हमारा टेस्टी वेज मंचूरियन लग चुका है, बहुत काफ़ी लजीज दिख रहा है, खा के दिखाता हूँ आपको। भाई लोग 50 रुपीस में वेज मंचूरियन बेंगलोर का काफ़ी बढ़िया था, वी आर मॉल के फ्रंट में मिलता है। अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, आपका मर्जी, अगर आपको खाना है तो खा लीजिएगा, लेकिन टेस्टी बहुत है, मेरे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं हर बार जब भी आता हूँ खाता हूँ। अभी हम वी आर बेंगलोर मॉल में पहुँच गया है, अभी चलते हैं टिकट काउंटर में, ऑलरेडी टाइम हो गया है, नहीं तो मैं आपको सब कुछ दिखाया था मॉल कैसे दिखता है। काफ़ी बढ़िया मॉल है, क्लासिक लुक दिखता है इसका। अभी जैसे लिफ्ट लेके चलते हैं डायरेक्ट। इधर क्या PVR है या आईनॉक्स है, क्या है, सिनेपोलिस, आई ऑल्सो डोंट रिमेम्बर। वी रीच्ड एट IMAX, ये एक्चुअली VR में IMAX है। बहुत सारे मॉल में घूम चुके हैं इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी सेल्फी मूवी देखने के लिए पहुँच गए हम IMAX में, पहले टिकट बुक करेंगे। इसका एंट्रेंस ऐसे दिखता है, बहुत बढ़िया दिखता है, इधर थोड़ा सा यूनिक डिजाइन है। ₹4-5 दे दो। तो फाइनली हमारा अभी मूवी ख़त्म हो गया, काफ़ी बढ़िया था मूवी, और सेल्फी मूवी बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि लास्ट में इतना इमोशन है कि आप भी रो पड़ेंगे। और बहुत सारा कॉमेडी भी है, बहुत अच्छा लगा, और डेफिनेटली मैं बहुत एंजॉय किया मूवी को। आप भी जाके देखिए आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा अक्षय भाजी का मूवी। तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू दे देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं फ़िलहाल के लिए अभी VR मॉल में ही हूँ, अभी हम एग्जिट ढूंढ के जा रहे थे, अभी 10 बज गए हैं रात का, तो कुछ खाना पीना करके जाएंगे रास्ते में। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। तब तक के लिए बाय।